हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल की बगैरतियों से बहुत दूर आज करते हैं अच्छी न्यूज़ों के साथ अपना स्पोर्ट फैक्ट शुरू। मेरा नाम है मोहम्मद दानिश, आप देख रहे हैं स्पोर्ट फैक्ट। चलिए शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। सबसे पहली टॉप स्टोरी, बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच, जो कि श्रीलंका जीत चुकी है 21 रन के साथ। इसके साथ वो 5 टेबल पर मजबूत हो गई है। दूसरा ये कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो कि कल है, देखते हैं क्या इंडिया दे पाएगा टक्कर का मुकाबला पाकिस्तान को। तीसरा ये कि बारिश के चांसेस अभी भी बहुत हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच से। जैसा कि जानते हैं कि बांग्लादेश जो कि बहुत ही अच्छा खेली शुरू से, लेकिन दरमियान में लगा कि जैसा कि ये 150 में नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुशाल मेंडन ने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली और 50 रन के साथ बांग्लादेश को बचाया 257 रन। जिसके बाद की बांग्लादेश ने बैटिंग शुरू, और क्या अच्छा आगाज हुआ था। बहुत ही, मैंने कहा कि आज तो बांग्लादेश 10 विकेट से जीत जाएगा, लेकिन बस श्रीलंका के बॉलरों ने सब कुछ तबाह हो बर्बाद कर दिया बांग्लादेश को। और यूं एक बार यूं भी लग रहा था कि बांग्लादेश को अभी आने लगी, लेकिन कुछ एहसास रखा शरफुल ने एंड पर दो चौके भी लगाए, लेकिन कुछ खास मजा ना आया और ये बांग्लादेश 21 रन से मैच हार गई। जिसके बाद श्रीलंका आप 5 टेबल पर मजबूत हो चुकी है। अगर श्रीलंका एक और मैच जीतती है तो क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल्स के लिए, लेकिन पाकिस्तान को भी चाहिए कि श्रीलंका को हराना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका के पास बहुत ही अच्छे मिस्ट्री स्पिनर हैं जो कि पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकते हैं। जी नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कल को है हाई वोल्टेज मैच जो कि है पाकिस्तान और इंडिया का। जैसा कि देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का एक सदी से बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंस मैच होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, हर वाम चाहती है कि अच्छा मैच देखा जाए। तो पिछले मैच के जैसा कि चाहते हैं कि नो रिजल्ट था, रिजल्ट नहीं आया। जैसा कि इंडिया ने शुरू में 267 रन बनाए थे, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत कम थे। पाकिस्तान ये आसानी से बना सकता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, बारिश ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। और ये कल को फिर मैच है, क्या देखते हैं कि कौन जीतेगा। शीन अपनी स्विंग से इंडिया के बैट्समैन को परेशान कर पाएगा या नहीं, क्या इंडिया के बॉलर टफ टाइम दे पाएंगे, ये देखते हैं कल को। मेरे साथ रहिएगा क्योंकि स्पोर्ट फैक्ट्स में आज जानते हैं अच्छी और सच्ची खबरें। तीसरी और बहुत ही फेमस अपडेट जो कि है वेदर की। जैसा कि देखा जाए तो आज भी 90% चांस थे बारिश की, लेकिन क्या बारिश हुई, और भाईजान बारिश बिल्कुल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, इसकी वजह ये था आज वेदर बहुत सनी था, लेकिन 90% चांस है। क्या कल तो 100% चांस है बारिश होगी, क्योंकि इसी वजह से रिजल्ट डे भी रखा गया है। क्या बारिश कल को होगी या नहीं, लेकिन फिर भी आपको बताते चलें कि कल को 70 से लेकर 100% तक चांस है कि बारिश हो सकती है। लेकिन अगर बैटिंग इंडिया की कल, अगर यहाँ पाकिस्तान की बैटिंग कल हो जाती है, तो अगर दूसरे बल्लेबाजों की बैटिंग नहीं आती, तो रिजर्व डे में मंडे वाले दिन जो कि पाकिस्तान इंडिया दोबारा मैच खेलेंगे। इसके साथ ये बैटिंग तो हो गई रही, ओ भाई मजे आएंगे, फुल इंजॉय होगा, क्या बात है। इसी के साथ हम अपने शो को करते हैं इख्तिताम। कमेंट लाइक शेयर जरूर करिएगा, मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अल्लाह मेहरबान।